सीएम कमलनाथ ने दुख जताया है। सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निधन की खबर दुखद खबर थी, उनसे बहुत पुराना संबंध था। सुषमा स्वराज से मेरा भाई बहन का संबंध था। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री था तब वो नेता प्रतिपक्ष थी, रोज उनके साथ बैठने, चर्चा और विवाद करने का मौका मिलता था। विवाद होते थे, उनका नजरिया दृष्टिकोण कई चीजों में अलग था। हमारे मतभेद होते थे लेकिन बड़े प्यार और सरल तरीके से उसका सामना किया करते थे। मैं मानता हूँ कि राजनीति नहीं समाज सेविका अब हमारे बीच नहीं रही है। बड़ी दुखद खबर थी कि मेरा उससे बहुत पुराना संबंध था। केवल संबंध नहीं था, एक भाई बहन का संबंध था। और जब मैं केंद्र में संसद कार्य मंत्री था और वे प्रतिपक्ष की नेता थी, प्रतिपक्ष की नेता लोकसभा में थी, लगभग रोज उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का, उनके साथ विवाद करने का मुझे मौका मिलता था। विवाद होते थे, उनका नज़रिया दृष्टिकोण बहुत सारी चीज़ों में अलग होता था, पर एक खूबी थी, जो भी हमारे मतभेद होते थे लोकसभा में, हम बड़े प्यार और सरल तरीके से इसका सामना करते थे। मैं मानता हूँ कि एक केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं और केवल समाज सेविका हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ शक्ति दें तो उनकी आत्मा। सर मुंबई जा रहे हैं, आज आप मुंबई जा रहे हैं और कई उद्योगपतियों से आपकी मुलाकात होने वाली है, तो क्या कुछ रहेगा? सर ये मेरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश में एक विश्वास का वातावरण बने, क्योंकि निवेश तो तभी आता है जब एक विश्वास का वातावरण हो, और ये विश्वास का वातावरण अपने प्रदेश में बने। मध्य प्रदेश के पास बहुत सारे मौके हैं कि निवेश आए, हर क्षेत्र में आए। तो अगले दो दिन, एक दिन मेरा प्रयास रहेगा सबसे चर्चा करके ये विश्वास उनका प्रदेश हासिल करें ताकि निवेश आए। निवेश से जुड़ा हुआ है हमारे नौजवानों का भविष्य, इससे आर्थिक गतिविधि बने, रोजगार के नए मौके बने, ये मेरा प्रयास है। सर कौन कौन लोग सूची में है? मुकेश अंबानी जी हैं और कौन कौन है? लगभग बहुत सारे हैं, अब तो बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनको बहुत ऐसे ही है, लगभग सभी हैं जिनको मैं पहले से ही जानता हूँ, तो उनसे चर्चा होगी और उनकी क्या सोच है, हमारी निवेश नीति कैसे होनी चाहिए, इन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक हम नई निवेश नीति बनाएंगे जो ज़िले पर आधारित है, जो रोज़गार पर आधारित है, जो आर्थिक गतिविधि से आधारित है, क्योंकि रोज़गार केवल प्रश्न नहीं है, रोज़गार के साथ जो आर्थिक गतिविधि बनती है वो बहुत बड़ी चीज़ है।